अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया। अभी मैं आपको समझाऊँ कि इसकी ट्रांसमिशन हमने किस तरह कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऊपर वाले पोर्शन का हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएंगे, वो भी इसी तरह सेम होगा। उस पर इंशाल्लाह बिल्कुल आपको सही तरीके से इंशाल्लाह समझाऊँगा। दोस्तों ये MCC भी ब्रेकर है, ये सिर्फ 3 फेज के लिए लगते हैं। इसको MCC भी क्यों बोलते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ये हमने MCC ब्रेकर लगा दिया, ये 3 फेज का है। ये दोस्तों ये तीनों फेज आ रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर से, ऊपर से तीनों फेज आउट हो गए। और इसके साथ साथ एक ये वाली वायर हमने इसमें न्यूट्रल में लगा दिया, जो डायरेक्ट आ रहा है उसको हमने डायरेक्ट में लगा दिया, न्यूट्रल में लगा दिया। दोस्तों हमने ये डिवाइड कर दिया, ये रेड फ्यूज़ है, ये ब्लू है, ये नीचे जो लगाए हुए हैं, और ये येलो हैं। दोस्तों इसके इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, ये बहुत सिंपल सा काम है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, बोर्ड बनाना बहुत इजीली, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और इसमें जो ये जो फेज़ है ना दोस्तों, हमने इसमें डिवाइड कर दिया हुआ है। मतलब इस घर का जितना भी लोड था उसको हमने तीनों फेज डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसका लोड ज़्यादा था, इसलिए हमने इसमें 3 फेज़ वायर लगा दिया। दोस्तों ये जो 3 वायर्स आ रहे हैं ये CCTV कैमरे का है, इंशाल्लाह CCTV कैमरे के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे उसके इंस्टॉलेशन पे। ये CCTV कैमरे की वायर्स हैं। और ये तो दोस्तों आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हम वायरिंग करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग कैसे की जाती है। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें, ताकि हमारे नए तमाम आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।